छोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी वाट रे। हाँ छोगड़ा तारा ओरे छबीला तारा बस बाकी सर जितना लोग सुनने के लिए रहेंगे उतना मैं गाऊंगा। नहीं आई फील अगर मैंने पहली मोहब्बत से स्टार्ट किया तो पहली मोहब्बत सुन के सब चले जाएंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट ऑन सोशल मीडिया इज दैट व्हेन आई एम कमिंग टू बांग्लादेश एंड आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग ऑन सोशल मीडिया दैट वेरी सून वेरी सून वेरी सून। पीपल वर आस्किंग मी हाउ सून। सो आई थिंक फाइनली टुमारो इज द डे व्हेन आई एम हियर। एक्चुअली आई एम हियर टुडे but tomorrow will be the first time I'll be performing for all the people here. So very very excited and it's very special for me to be here because I've never been here, never met the people, but I've always got messages, love from Dhaka and Bangladesh, and people celebrate my birthday here. So finally I get the opportunity to thank everybody tomorrow by singing all the songs they love, and I'll make sure the performance is ek yaadgar performance hoga kal. All the songs are going to be very special because pehli baar mujhe sunenge, but yeah, I'm going to sing something very special for all the people here, but that's going to be a surprise. Uske liye sabko aana padega show mein, and I'm going to sing something very very special for them tomorrow. Sir, jitna log sunne ke liye rahenge utna main gaunga. Usually main 2 ghante perform karta hu, aur agar log chahte hain ki main ruk ke aur gaun unke liye to main aur bhi gaata hu. So it is completely on how they enjoy. But मैं कल 2 घंटा नॉन स्टॉप आई एम गोना सिंग एंड डांस एंड एंजॉय विद ऑल द पीपल टुमारो। नहीं आई फील अगर मैंने पहली मोहब्बत से स्टार्ट किया तो पहली मोहब्बत सुन के सब चले जाएंगे। सो आई विल मेक श्योर पीपल वेट फॉर पहली मोहब्बत और उनको थोड़ा सा मैं तड़पाऊंगा। नो बट देयर आर लॉट ऑफ वेरी स्पेशल सॉन्ग्स दैट आई विल सिंग ऑल्सो। अभी मेरा एल्बम आया है, उसके कुछ गाने काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, तो वो पहली बार मैं परफॉर्म करूंगा और मैं बहुत खुश हूं कि नए गाने बहुत सारे मेरे जो अभी रिसेंट हिट हुए हैं वो मैं गाने वाला हूं। एंड ऑफकोर्स एकदम सबसे ज़्यादा तड़पा के फिर मैं पहली मोहब्बत गाऊंगा। आई एम नॉट अ एक्टर आई फील, बट मैं सिर्फ मेरे म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव मेड द सॉन्ग। मैं खुद गाने बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि उसको मैं अच्छी तरह से पोट्रे कर लेता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। फिल्म एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट फील्ड, तो वो मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता हूँ। यूजुअली लोग कहते हैं कि मैं इससे इंस्पायर होता हूँ। मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से, अगर आपसे मैं मिलूंगा एंड इफ आई फील समथिंग सो दैट विल हेल्प मी टू क्रिएट माई म्यूजिक। और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे मॉम हैं, हालांकि शी इज़ नॉट विथ मी एनी मोर फिजिकली, बट उनका इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा मेरे म्यूजिक के अंदर। और जो भी गाने मैं बनाता हूँ आई ऑलवेज फील इट्स जस्ट इट कम्स टू मी वेरी नेचुरली। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे कोई नहीं जानता था, और धीरे 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 जब 2014 के अंदर मैं एक रियलिटी शो में आया तो लोगों ने मुझे देखा सुना, कम लोग थे, धीरे 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 वो फैमिली बढ़ती गई। आज जब मैं इवन टुडे व्हेन आई केम टू द एयरपोर्ट देयर वर लॉट ऑफ किड्स हु आर वेटिंग फॉर मी, जो मेरे म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं। और आज अब हर जगह मैं जाता हूँ तो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, वेट करते, तो वो मुझे हर रोज़ मोटिवेट करते हैं। इवन ऑन सोशल मीडिया देयर सो मच ऑफ लव फॉर मी। यूजुअली सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव हो जाता है लोगों के लिए, पर मेरे लिए इतना प्यार है, मुझे इतना, मैं कुछ भी करूँ तो मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। तो एवरी डे व्हेन आई गेट अप आई हैव दिस थॉट कि मुझे और इन लोगों के लिए अच्छा म्यूज़िक बनाना है। कोई किस सिचुएशन में होगा, कोई क्या सफ़र कर रहा होगा, तो मेरा म्यूज़िक उनके साथ हमेशा होना चाहिए, कोई हो या ना हो। आई एम श्योर आई विल एक्सप्लोर बांग्लादेश। सबसे पहले तो मैं थोड़ा खाना तो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज दोपहर को भी हमने इधर इतना सारा खा लिया था। नेचुरली आते हैं सैड सॉन्ग्स। बहुत सारे लोग बता रहे यार ये इतने सैड गाने क्यों बनाता है, तो मुझे भी ये फील होता है मैं इतने सैड गाने क्यों बनाता हूँ, बट ये होता है। एंड हम जब उदास होते हैं तो एक्चुअली में सैड सॉन्ग्स हेल्प करते हैं। और मुझे इन माई लाइफ जब भी मैं कभी उदास होता हूँ तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैं ऑन द फ्लाई कभी उदास होता हूँ मैं सुन लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो वो उस टाइम का मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि अगर शायद कोई कहीं उदास है तो मेरा गाना सुन के उसको अच्छा लगेगा। मेरे लिए मुझे, मैं वैसे ही, मुझे लाइफ में जल्दी उठना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो मेरी कभी सुबह 8 बजे की या 7 बजे की फ़्लाइट होती है तो भी जब मैं पहुँचता हूँ अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट तो फैंस सुबह सुबह एयरपोर्ट आए होते हैं, तो मुझे बड़ा बहुत मेरे दिल में ये बात ऐसे मुझे लगता है कि एयरपोर्ट आने के लिए वो शायद रात को 3 बजे या 4 बजे निकले होंगे, सुबह वेट किया होगा, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि कब फ़्लाइट है, तो वो आके मुझे मिलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने जहाँ से शुरू किया था तब कोई नहीं था,
और आज इतना सारा प्यार एंड नाउ पीपल आर देयर फ्रॉम पास्ट 10 years आर लविंग मी सो मच. सो एवरी डे आई जस्ट फील सो एवरी स्मॉल थिंग दे डू इज रियली रियली वेरी मीनिंगफुल टू मी. लाइक जैसे मेरे हाथ में भी ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये भी सारे फैंस ने दिए हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. आई वॉच लॉट ऑफ मूवीज, आई ट्रैवल एंड आई लाइक टू मीट पीपल. सो यही मेरी हॉबीज हैं. और म्यूजिक मेरी हॉबी भी है और मेरा पैशन भी है और मेरी जिंदगी भी है. छो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग भेरू जुए तारी वाट रे. हाँ, छो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा. बस बाकी कल क्या कहते हैं. सेम टू यू. आमी तुम्हाके भालो बाशी. ये मेरे को पता था, मैं बुलाता हूँ. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ऑल द किड्स, जितने लोग चाहे म्यूजिक करना चाहते हैं, मैं सारे बच्चों को या आप ग्रोइंग टैलेंट को हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि पेशेंस एंड बिलीव योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट. और मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. सो यू कैन ऑल्सो डू इट. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू.